अगर अमरीकी लोकतंत्र में विरोध के स्थान की अपेक्षा रखी जाती है तो भारत में भी यही उम्मीद बांधना गलत नहीं है। अफसोस है कि ऐसा हो नहीं रहा है और विरोध करने वालों को किसी न किसी तरह से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर से ऐसी खबरें आम हो गई हैं। हाल ही में माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में एक आदिवासी ग्रामीण की हत्या के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू की एक एक प्रोफेसर के साथ कुछ माओवादियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक जो बस्तर रेंज के हैं एसआर कल्लूरी के मुताबिक सामनाथ बघेल की हत्या के मामले में उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर माओवादियों और कुछ अन्य के साथ साथ डीयू की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, दिल्ली के जोशी अधिकार संस्थान के विनीत तिवारी, छत्तीसगढ़ भाकपा के प्रदेश सचिव संजय पराते के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। विगत 4 नवंबर को सशस्त्र नक्सलियों ने सामनाथ बघेल की कथित तौर पर धारदार हथियारों से नामा गांव में उसके घर पर हत्या कर दी थी। बघेल और उसके कुछ साथी इस साल अप्रैल से उनके गांव में चल रही नक्सली गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच खबर आई कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि बस्तर के सामनाथ बघेल की हत्या के मामले में डीयू की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद समेत 4 लोगों को 15 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नंदिनी सुंदर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस मामले को लेकर बस्तर से दिल्ली तक बवाल चल ही रहा था कि शुक्रवार को सामनाथ की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में सामनाथ की पत्नी बिमला कह रही हैं कि वह नंदिनी को जानती ही नहीं है। आप किसी को पहचान पाए उनमें से? नहीं पहचानती मैं। संजू जो कमांडर है जिसका स्टेटमेंट में नाम है उसको किसी को पहचान पाए आपने? नहीं। घटना हुई उससे पहले उन्होंने कुछ बोला कि हमारे खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हो, या नाम लिया नंदिनी सुंदर का या बाकी जो दूसरे लोग हैं उन लोग किसी का नाम लिया था कि इनके खिलाफ क्यों जा रहे हो, इनके खिलाफ कंप्लेन किया, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। इस बयान के बाद अब सुकमा जिले के तोंगपाल पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवालिया निशान लग गए हैं। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि सामनाथ की पत्नी बिमला की शिकायत पर नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद, सीपीआईएम के संजय पराते सहित अन्य पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी की बात कही गई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही बस्तर आईजी ने इस मामले में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होता देख मामले की जांच सीआईडी से करवाने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेज दिया था। यह याद रखना होगा कि बस्तर में कुछ दिनों पहले ही सामूहिक रूप से जगह जगह सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों के पुतले कुछ पुलिस वालों ने जलाए और प्रतीक के रूप में स्थानीय थानों की पुलिस ने पुतलों की आग बुझाने की कोशिश भी दिखाई। जिन लोगों के पुतले जलाए गए वे निरंतर बस्तर में सुरक्षा बलों की जातियों के खिलाफ बोलते लिखते रहे हैं। बस्तर की इस घटना ने बता दिया है कि वहां सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोलने की आज़ादी खतरे में है और खतरे में है हमारा लोकतंत्र। जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह के पहले या हो गुनाह के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।